सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो अहमियत दी जाती है उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, और ये सब चीज़ें के थ्रू अगर आप किसी को हेल्प कर सके उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब एट द सेम टाइम मिल रही है। तो हाँ, बस यही रीज़न है मोस्टली, मेनली जो है, और मोर देन एनी थिंग कोरियोग्राफर्स है जिनके साथ हम इतना काम करते हैं, और जितना सीखते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें चांस मिला कि यहाँ रहने का और उनकी गेम्स देखने की, तो मज़ा आ रहा है। सिर्फ कोरियोग्राफर भी नहीं है इसमें, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है और डांसर्स भी है, ये सब मिल के कर रहे हैं। मेरी एक ही विनती हमारे गवर्नमेंट से कि ये जो कोरियोग्राफर्स है, असिस्टेंट्स और डांसर्स, इन पर ध्यान दिया जाए। ये वो वर्कर्स है जो अपने बदन को जलाते हैं, फिजिक को जलाते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं। आज अगर फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो इनको उस चीज़ में बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
क्योंकि जब एक एज के बाद बदन घिस के वो कुछ कर नहीं पाते तो शायद ये यूनियन है, ये गवर्नमेंट्स है, वो उनके लिए कुछ करे, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है अभिमन्यु और संजय। हम लोग आए हैं यही सोच के कि मदद मिले गवर्नमेंट के तरफ से, हमारे जो यहाँ पे डांसर्स है और जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर और कोरियोग्राफर्स है जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ देख रहे यंगस्टर्स खेल रहे, इनको बहुत सारा मदद चाहिए आगे जाके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी 5 साल के बाद 10 साल के बाद शायद ये वो डांस नहीं कर पाए या कोरियोग्राफर्स असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स। तो और ये जो इवेंट रखते हैं, कभी क्रिकेट होता है, कभी फुटबॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती यहाँ पे, ये सब एकजुट हो रहे, ये बहुत अच्छा है। ये एकता हो, हर डांस मास्टर, हर असिस्टेंट कोरियोग्राफर और डांसर्स ये सोच ले कि हम एक हैं और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनके यूनियन पे ध्यान दे, उनके लोगों पे ध्यान दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं सर, मास्टर जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है, इनफैक्ट अभिमन्यु ने बहुत कुछ कर लिया। मैं को इतना ही बोलना है कि इफ्टी का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी जो इन्होंने ये जो फुटबॉल मैच किया है ना ऑर्गेनाइज, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा क्रिकेट करते करते रहते, तो अभी इस बार फुटबॉल किया। अभी फुटबॉल के लिए एक रीज़न था कि यहाँ पे कुछ फंड्स जमा हो जाए और यहाँ के हमारे जो पुराने डांसर्स हैं, जितने थोड़े से एजड डांसर्स हैं, वो लोग घर पे बैठे हुए, तो उनको कुछ धनराशि मिले। एंड मैं जैसे सर ने बोला वो बराबर है, आज हम सबको एक कोरियोग्राफर को एक हमेशा एक दर्जा चाहिए होता है जो हमको नहीं मिलता है आजकल। मतलब आज एक फिल्म बनाने के लिए कोरियोग्राफी भी बहुत ज़रूरी है, एक गाने की बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें कोरियोग्राफर की बहुत ज़रूरत है, तो वो हमको उसका वो बोलते हैं ना नाम नहीं मिलता है, वो चीज़ का हमारा नाम जुड़ता नहीं, जब मेन एचओडीज में कभी नाम ऐसा जुड़ता नहीं जैसा जुड़ना चाहिए। अभी मास्टर जी है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का नाम एकदम एंड में आता है नहीं आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। मैं तो कितने बार ट्रेलर्स में देखा, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गया, अब इनका हमारा नाम आता ही नहीं है। ये मास्टर जी इतना गाने करते, और मेरे को बताओ एक पिक्चर में एक गाना हिट होता है, फिर पिक्चर फ्लॉप होती है लेकिन गाना हिट होते हैं, मुझे बताओ। तब सब नाम बोल रहे गाना अच्छा क्योंकि इन्होंने ऐसा कोरियोग्राफ किया, लेकिन इनका नाम किधर है? मतलब नाम आता ही नहीं। वो नाम बहुत ज़रूरी है हमको, और मास्टर जी जैसे बोले कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन गायकवाड़ है, मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। बेसिकली ये हमारा मतलब जब से हमारे टेन्योर में ये हमारा तीसरा चौथा इवेंट है, तो हम लोग हमारे सारे जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनकी यूनिटी बनाने के लिए हर 2 महीने में 3 महीने में इस तरह के इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं। और आज के इवेंट का एक और भी एक मकसद है कि हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, जो नीडीज मेंबर्स है, जिनके फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस इवेंट के ज़रिए सबको इकट्ठा करके कुछ थोड़ा बहुत फंड जनरेट करके हम उनकी हेल्प करने का आज का बेसिक मकसद हमारा यही था आज के इवेंट का। तो हम लोग इसी तरह कुछ ना कुछ टीम के साथ मिलकर ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं मेंबर्स के हित के लिए, मेंबर को यूनाइट करने के लिए बेसिकली। फ़ायदा काफ़ी लोग को हुआ है, और अभी हमारे से पहले एक और टीम थी, अभी हम लोग 3 महीना पहले ये फ्रेश टीम आई है, इससे पहले भी हम लोग कमेटी में रह चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, बट तभी भी हम लोगों ने अभी पिछले साल ही एक MFCL किया था, बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट किया था, इसी तरह सारे सेलिब्रिटी ने उस टाइम पे भी हेल्प किया था, उस टाइम पे भी हमने नीडी कोरियोग्राफर्स को, हमारे जो सीनियर कोरियोग्राफर्स उनको काफ़ी सारी हेल्प की थी, इस बार भी कर रहे हैं। हर इवेंट में हम लोग कोशिश करते हैं, और ये तीसरा चौथा इवेंट है मेरे ख्याल से, तो इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी लोगों ने, सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमें सपोर्ट दिया, हमारे मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश की, उसके लिए आपके ज़रिए मैं सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। कोविड के समय बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई इंट्रोडक्शन दो और
सॉरी, उसके पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम जीत सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का। कोविड के समय हमारे तभी जनरल सेक्रेटरी थे गणेश आचार्य और हम सब टीम में थे, जॉइंट सेक्रेटरी में था, और उसके बाद में सारी चीज़ें जो दिखी, थोड़े एक महीने के लिए प्रॉब्लम, दो महीना, ऐसे करते करते कोविड के समय तो सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। उस समय हमको बॉलीवुड से कोई राहत नहीं मिली। हमारी पूरी कमिटी ने डिसाइड किया तब कि हम अपने मेंबर्स के लिए ना हेल्प करें। तो उस समय हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 5000 रुपीज़ सबको भेजा, जितने भी मेंबर्स नीडी थे और ज़रूरतमंद थे, जिन्होंने हमको अप्रोच किया और सारे लोग, मोस्टली सभी लोगों को पहुंचा। उसके बाद में हमने 3000 किया, फिर कुछ मेंबर्स जो पार्टली पेड मेंबर्स थे उन लोगों को भी हमने, जैसे कि इंसानियत वाली बात आ जाती तो उसको हम लोग ने पहले बरकरार रखा, उसको आगे रखा, और हमने उनको भी हेल्प किया। एक हेल्प हम लोगों को आया, वो है कूपन आया था ना शायद, अच्छा कूपन दिया गया था दूसरे एसोसिएशंस को, जहाँ तक हम लोगों को सुनाई दिया था, तो हमको लगा कि हमारे पास भी आएगा, बट हमारे एसोसिएशन क्या है, फेडरेशन के साथ में एफिलेटेड नहीं थे, जिसके वजह से वो चीज़ें हमको नहीं मिली, वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। लेकिन हम पूरी एसोसिएशन मिल के ना अपने मेंबर्स के लिए काफ़ी कुछ उस समय कोविड में हेल्प किए अपने मेंबर्स को। जी जी, ऐसा था कि ऐसा है अभी भी, सरकार से हम बहुत सारी चीज़ें मांगना चाहते हैं। हमारे तो पहले तो हेल्प ऐसा चाहिए कि सब्सिडी मिले हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में। हम सब कई सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। और अभी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने क्या किया है कि CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लेके आ गई है, जिसके वजह से हम जो 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट, उस तरह का काम का अड़चन हो रहा है, क्योंकि है ना, किसी के भी पास अगर वो नहीं भी जानकार हो, अनप्रोफेशनल भी हो ना, उसको काम करने के लिए मिल जाता है ना, तो कर ले रहा है। लेकिन हम प्रोफेशनल को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जो 10 रुपये लेते थे, अब यहाँ पर 4 आने में भी लोग काम कर ले रहे हैं और काम भी ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड में अभी तहलका जो मचा हुआ है अभी, कि बॉलीवुड आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, और साउथ की जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है, उसका यही रीज़न है कि वहाँ पर एकता भी है और सारे लोग मिल के उसको रन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ अपने अपने में ही सब लगे हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करने के लिए ना गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। और प्रमोद जी भी कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके बारे में उनको भी मालूम है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद कराडे है, मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न कोरियोग्राफर एसोसिएशन में ट्रेजरर की पोस्ट पे हूँ, जहाँ की अभी हमारे प्रेसिडेंट ने, जनरल सेक्रेटरी ने लगभग सारी बातें कवर कर ली है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही एक बहुत अहम मुद्दा है। गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट बॉडी जो बोलती है कि ये सही है, ये हमारा रूल है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको इसी दायरे में काम करना चाहिए, यही दायरे में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे किसी भी काम की सेफ्टी गारंटी गवर्नमेंट कभी भी नहीं लेती। जैसे अभी आपने CCI का रूल आ गया कि जिसके पास आधार कार्ड है वो काम कर सकता है, तो अभी मैं ये सवाल, आप भी एक स्किल्ड वर्कर है, आपकी जगह पे यहाँ पर कैमरा लेके कोई और तो खड़ा हो नहीं सकता, अभी जिसको खाली कैमरा लेके खड़ा हो सकता है उसको तो खड़ा नहीं कर सकते ना, तो हर एक अपने चीज़ों की सबकी अहमियत होती है, जिसको करने का स्किल होता है, तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी आधार कार्ड वाला काम कर सकता है, ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं, हमारी सेफ्टी का क्या? अगर कोई भी आदमी काम करता है स्किल वाला, उसकी पेमेंट की गारंटी, उसकी सिक्योरिटी, उसका इंश्योरेंस की गारंटी तो गवर्नमेंट नहीं लेता है। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जब भी, ये मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया है, हमारा जब भी इनकम टैक्स या लोन के लिए भी हम लोग जाते हैं, हम लोन कर जाते हैं,
तो यार आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बावजूद हम लोग का टीडीएस तो कट के जाता है उतना ही, हम तो उतना ही देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमको ये अलग से क्यों देखा जाता है? ये चीज़ ये प्रॉब्लम बहुत होते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हमारी तरफ भी एक ये ऐसी होगी कि बॉलीवुड एंटिटी एक साइडलाइन की जाती है। पहले मेरे ख्याल से आज से 20-25-25-30 साल पहले अगर कुछ भी बड़ी दुविधा आती थी तो बॉलीवुड यूज़ टू लाइक पहले खड़ा हो जाता था कि ये फलाने ने इतना ये किया, ऑर्गेनाइज किया। अब आप हमको ही दूर कर लिए तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है अभी। हमारा टीम है वेलिंगटन फीनिक्स और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया है और यहाँ पे आके हमारा तजुर्बा काफ़ी अच्छा रह चुका है। एग्जीबिशन मैच खेलने के सामने, आप लोगों के सामने प्रदर्शन करना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। तो उसके लिए मैं उनके सेक्रेटरी जीत सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा और मेरी टीम के तरफ से और मेरी तरफ से इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन के लिए तालियां होना चाहिए प्लीज। I will speak in English because that's my strong point, and we were invited by the by the Indian Film, please the camera should be there, Indian Film and Televisions and you know Association, which was a wonderful invitation for us because we are playing almost after a break of almost a year. Mr. Jeet has been very nice to invite us, and I will carry on speaking, but first I want my team to give him a big hand. We are basically Kings United FC, which is a very old club, which basically focuses on individual training. Now, what is individual training? Individual training is nothing but preparing players for India. As I repeat, India. So it starts with state level, and then we go ahead to the Indian level, Indian national level. In this, we work on the strengths and weaknesses of our player, and we have already proven players. We have Carsten D'Souza, an India camp player of the under-15. Put your hand up. Please give him a big hand, please. We have Shia Suryapalli, who is the captain of the team. He's a national player. Please give him a big hand. We have Piyush Gupta, who is also a national player and also a hard-working player and has played many tournaments in the Development League. Give him a big hand. We have even a gentleman, what's your name, please? Nikhil, who's a Durand Cup player, which is happening now. So please give him a big hand. We have a lot of players, Damodar, Pratham, Vedant, who's amazing, and they are all very talented. What's the stepping stone is what the Cinematographer Association has done, is given us an opportunity to show our talent. So hats off to Mr. Jeet and team. Give them a big hand. Thank you very much. Yeah. तो इसके डैड आदित्य गायकवाड़, इसके डैड कोरियोग्राफर है, तो उन्होंने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ये टूर्नामेंट होस्ट किया है। तो ही टोल्ड अस 10 डेज प्रायर के टूर्नामेंट होस्ट होने वाला है, तो तू तेरी टीम लेके आ जाना। मैंने बोला ठीक है श्योर, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, नो वन वॉन्ट्स टू मिस इट। सो वी ट्राइड कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हम लोग इकट्ठे कर सके, बट वी कुडंट बिकॉज एवरी वन हैड देयर ओन प्लान्स, सो दे कुडंट। सो ये इंडिपेंडेंट टीम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टीम की केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ हार्डली ज़्यादा खेले, तो एक दो गेम खेल चुके एक दूसरे के साथ। स्टार्टिंग विथ हिम, ही इज आदित्य गायकवाड़, द गोलकीपर ऑफ आर टीम। ही इज आर्यन हिरवे, द सेंटर बैक ऑफ द टीम। यस, ही इज आर्यन फॉरवर्ड, एंड ही इज ईशान। माय नेम इज ईशान पास्ते, आई एम अटैकिंग मिडफील्डर। या फुटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया एक सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे कोरियोग्राफर्स लोगों के लिए। एक पूरी टीम इकट्ठा आप लोगों की हुई है आज पे, पूरा एक पर्व जैसा लग रहा है। क्या माहौल रहा और क्या कुछ आज आप लोगों ने किया, उस बारे में थोड़ा खेलते हैं। लॉन्जाइनस फर्नांडिस चालू करेंगे वार्तालाप, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, फिर मेरी टीम अपनी टीम कंटिन्यू करेगी। बोलो लॉन्जी सर। हाँ, ये जो हो रहा है आज के दिन के हिसाब से इंडिपेंडेंस के नाम पे, ये उन लोगों के लिए जो शायद इंडिपेंडेंट इतना ना हो,
दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, तो हम लोग ये फंड रेज कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा सीजर गोंसाल्विस का, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया कि बॉस दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, आई कैन ब्रिंग इन द स्पॉन्सर्स एंड दैट्स व्हाई ऑल द बिग नेम्स कि जितने बड़े बड़े दिग्गज नाम लोग आपने देखा है सब नामचीन लोग हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन साहब, टाइगर श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अपरचित, करण भाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये लाने वाला इस मंच पर, ये इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उनके लिए हम लोग वाकई में बहुत खुश हूँ कि क्या है कि देयर आर सम पीपल हु आर लिटिल बिट डिप्राइव्ड एट एन एल्डरली एज where they are not being able to make that kind of money and live a peaceful life. So we are trying to raise funds for them, so there will be 10 lucky people who will get whatever it's supposed to be given. That's and that's the purpose of this game and that's the purpose of Independence Day. This is isse better din to aaj maine kabhi socha nahi hoga. Aur rahi baat football ki, ye to bahut mahir hai ye kshetra mein aur hum to chahte hain ki hum log acche se khele, kyunki inhone pure team ko sambhala, pure team ko train bhi kiya, kyunki bahut sare log hain जिनको बॉल का मतलब समझ में नहीं आया शुरुआत में, बट नाउ ऑन द फील्ड दे आर हैविंग अ बॉल, सो थैंक यू वेरी मच सीजर। पहली बात तो फुटबॉल जो गेम है इज़ माय लाइफ, डांसिंग पहली है और सेकंड लाइफ इज़ माय फुटबॉल। तो जब ही एसोसिएशन इफ्तिका ने बोला क्या टूर्नामेंट रखने वाले और 15 अगस्त को रखने वाले, तो मैं तो एक्साइट हुआ। मैंने जो भी मेरे दोस्त थे बॉलीवुड के, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी सर, अर्जुन कपूर, अपार शक्ति, करण वाही, कबीर खान, डीनो मौर्या, सब लोग को, टाइगर श्रॉफ, सब लोग को मैसेज भेजा कि मुझे ऐसा हेल्प चाहिए आपसे, आप क्या स्पॉन्सर कर सकते हो। अभिमन्यु भी जो एक्टर भाग्यश्री का बेटा है, उनको भी रिक्वेस्ट किया, वो आएंगे चीफ गेस्ट के लिए। तो उन्होंने इमिजिएटली मुझे बोला कि मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, एवरी वन केम टूगेदर एंड आई वॉज एक्साइटेड। एंड इफ्तिका, आई थिंक द ग्राउंड इज सुपर्ब, अभिषेक बच्चन ने पूरा ग्राउंड का पैसा भर दिया है, ऑल स्टार्स, बिग थैंक्स टू ऑल स्टार्स बिकॉज मैं ऑल स्टार्स के लिए खेलता हूँ, बंटी वालिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस यू नो प्लेटफॉर्म टू आस्क पीपल, माई फ्रेंड्स एंड गेटिंग द टीम टूगेदर। आई नो डैनी, आई नो लॉन्जी, आई नो साहिल, जैक, पवन, ऑगी, समशाद, प्रियांशु, मनोज एंड माय पार्टनर बॉस्को, ये हम लोग यू नो बचपन से फुटबॉल खेलते हुए हैं। लाइक लॉन्च कई लोगों को मदद मिलेगी जो आपके ही समुदाय, आपके ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी का अपना तारुफ कर दें और आप ये जो आज प्रोग्राम इस बारे में करें। हाँ जी, मैं छाया महाड़िक कोरियोग्राफर हूँ और जॉइंट ट्रेजरर हूँ, और ये जो इवेंट चल रहा है, ये इस इवेंट के लिए हम लोग सीनियर्स लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए सब टीम मिलके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सर, जैसे जीत सर ने कहा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं मेंबर के लिए, मगर मेरी ये तमन्ना, इच्छा है कि मेंबर ने भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते, कर रहे हैं नहीं, हम कर भी चुके हैं उनके लिए कुछ, बहुत कुछ, तो अगर उनका सपोर्ट मिलेगा तो और बहुत कुछ हो सकता है एसोसिएशन के लिए। इतना ही। नंद जी, मेरा नाम है नरेंद्र पंडित, मैं पिछले 54 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ, ग्रुप डांसर से असिस्टेंट, असिस्टेंट से कोरियोग्राफर, हमारी स्टेप यही है कोरियोग्राफर बनने की। तो ये आज का जो इवेंट है इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये है कि हम पुराने, नए और आने वाले, हम सबको इकट्ठा करके फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, इसमें हमारा सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, हम सबको इकट्ठा बोला के जो बिल्कुल ही आज इतने मजबूर है कि वो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की एक पेंशन होती है वृद्ध कलाकार यानी तंत्रज्ञ मानधन, तो जो कलाकार उस कैटेगरी में बैठे हैं जो 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, अब काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो योजना है कि महीने का 5,000 रुपये की पेंशन आती है, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी, 12 लोगों को शुरू हो गई, इस बार और 10-11 लोगों की शुरुआत है, हम डांसरों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो इफ्तिका के जरिए ये सब काम हो जाए, ये मेरी बहुत इच्छा है। और ये जितने न्यू जनरेशन के लोग हैं हमारे, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत काम कर रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ तो प्रयोग करते रहते हैं, आगे भी दिमाग में आया है मेरे कि कुछ और डांस कॉम्पिटिशन्स ये वगैरह ऐसा कुछ भी करके इनकी मदद से मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा।
थैंक यू। मेरा नाम किरण गिरी है, मैं जॉइन से रेडी हूँ इफ्तिका का। ऐसे इवेंट करके वही जैसे अपना जैसे नरेंद्र सर ने कहा, हम फंड इकट्ठा करेंगे और हमारे जितने भी ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करेंगे। ये कोशिश हमने पिछले साल MFCL क्रिकेट जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके थ्रू स्टार्ट किए थे। ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड ईयर है जहाँ पर हम लोग ने फुटबॉल इवेंट किया है। पहले क्रिकेट किया था, अभी फुटबॉल इवेंट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा इवेंट होते रहे। हमारे जो फिल्म स्टार है जैसे अभिषेक बच्चन, वहाँ के उनके अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, इन्होंने हमें फ़ंड किया है, हमें डोनेशन दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और रहा मेहनत के लिए, हमारे ऑफिस बेरर जो काफ़ी मेहनत से, अभी जैसे ये हमारे ग्रुप में काफ़ी सीनियर मोस्ट मेंबर है नरेंद्र जी, पिछले 50 साल से वो इस इंडस्ट्री में है और मैं पिछले 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। तो देखा जाए तो हम लोग का जर्नी काफ़ी है, लेकिन इस जर्नी में हम लोग ने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है। तो छोटे छोटे, भले छोटा छोटा अमाउंट हो, लेकिन एक हेल्प हमारी तरफ से जा रहा है और होप कि ऐसा हेल्प हम लोग आगे भी करते रहे। थैंक यू। आपका कोई दूसरा क्वेश्चन? बेसिकली मेरा नाम इमरान सैयद है, मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक एसोसिएशन का हिस्सा है, कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब है इट्स अ कम्युनिटी सर्विस। तो जो कोरियोग्राफर्स कम्युनिटी है, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स जो भी, उनकी तरफ काम करना, जिसके पास काम नहीं है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, किसको कोई तकलीफ है, द एंटायर आइडिया इज बेसिकली एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लैक ऑफ एसोसिएशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन किसी का ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम काम करते हैं और देखते हैं कि सबको अपना सहूलियत रहे, किसी को मदद पड़े तो हम आगे बढ़कर वो करें। तो हम सब मिलकर वही कर रहे हैं, ये इवेंट भी उसी के लिए है।